हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो जब भी आपको देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पर्सन, द हैव एन एम्प्रेस, नाइट ऑफ वैंस एंड तो जब भी आपको देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। तो जब भी आपको ये देखते हैं, डेफिनेटली अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपना ही अधूरा पीस मानते हैं, आपको अपना ही अधूरा पीस देखते हैं। आपको, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों जो हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं दोनों, यानी कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन तो ज़रूर हो सकता है। आप दोनों डैडी मम्मी हो सकते हैं, यानी कि डैडी फिगर हैं ये, और आप मदर फिगर भी हो सकती हैं, यानी आप लोगों का एज तो डेफिनेटली हो सकता है मे बी, लेकिन आपके पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट ही मानते हैं, आपको ऐसा पर्सन मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कंपैटिबल करते हैं, एंड आप दोनों की केमिस्ट्री भी माइंड ब्लोइंग है। तो जब भी आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं ये पर्सन, जब भी देखते हैं तो यही सोचते हैं कि उनके अधूरेपन को अगर कोई फुलफिल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। हर एक वे में आप उन्हें फुलफिल कर सकते हो। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, या आप दोनों की केमिस्ट्री हो, माइंड ब्लोइंग हो सकती है। आपको बहुत ही क्रिएटिव देखते हैं आपके पर्सन, बहुत ही ग्राउंडेड देखते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज देखते हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग भी देखते हैं, लाइक अ मदरली वाली वाइब उन्हें फील होती है। आप सबकी केयर करते हैं, आप बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है आपकी, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जहाँ से जाए, जहाँ से भी गुजरे, लोग आपको पीछे मुड़ के ज़रूर देखते ही रहते हैं। एक बार भी आप गुजर जाए तो आपका ड्रेसिंग जो स्टाइल है बहुत अच्छा हो सकता है, या ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसा, यानी कि एक वीनस की वाइब्स उन्हें आपकी तरफ से आती है, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, सेंसुअलिटी आपकी तरफ वो फील करते हैं, यानी कि आप बहुत सेंसुअल इंसान भी हो सकते हैं। आपकी तरफ लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन फायर ये फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस धरती पे उनको कंप्लीट तो आप ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस धरती पे कोई भी आपके जैसा ना ही सुंदर है, ना दिल से सुंदर है, ना दिमाग से सुंदर है, और ना बॉडी से सुंदर है। आपके पर्सन को यही लगता है कि आप दिल से, दिमाग से एंड अपनी बॉडी से भी बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और अपने पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखा है। आपको इस पॉसी मटेरियल डेफिनेटली मानते हैं, आपसे वो मैरिज भी करना चाहते हैं। तो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, शादी करनी है तो आपसे ही करनी है और किसी से नहीं करनी है, और वो भी एक ट्रेडिशनल मैरिज करनी है कि लोग देखें कि मेरी वाइफ या मेरा स्पाउस कैसा है, किसको मैंने चुना है अपने लाइफ के लिए। तो दुनिया देखती रह जाए, सोसाइटी देखती रह जाए, समाज देखती रह जाए, वैसा आपके पर्सन सोचते हैं कि आप एक स्पाउसी मटेरियल, आपको स्पिरिचुअल पर्सन भी मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा हायर स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, हायर नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको, एंड आप ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। यानी कि जैसा आपके पर्सन ज़िद्दी हैं, जैसा आपके पर्सन ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हैं,
वैसे ही आप भी हैं, ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले और स्पिरिचुअल पर्सन। आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और ट्रेडिशन वे में, आप भी ट्रेडिशनल वे में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन आपका विजडम बहुत ज़्यादा है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। आपके पर्सन आपको फायरी भी मानते हैं। फायर के मामले में आप बहुत सेंसुअल इंसान हैं, बहुत अट्रैक्टिव इंसान हैं। आपके साथ आपके पर्सन बहुत अच्छा केमिस्ट्री फील करते हैं, यानी कि आपके साथ वो चाहते हैं एक कोजी रोमांटिक इंटिमेसी वाला टाइम बिताना, क्योंकि जब भी आपको देखते हैं फायरी हो जाते हैं, खुद ब खुद फायरी हो जाते हैं और ख़ुद को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव हैं। आप में एक फैमिली वाली वाइब्स फील होती है इन्हें, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनकी लेगेसी को कोई आगे लेके जा सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके साथ अगर लेगेसी देखा जाए तो पूरी तरह से अबंडेंस फैमिली वो आपके साथ देखते हैं, आपके साथ फ्रूटफुल ब्लॉसमिंग अबंडेंस अपना फ्यूचर देखते हैं। अगर आपके पर्सन सिंगल हैं तो मैरिड हैं तब भी वो फैंटसी करते हैं कि अगर आप होते तो ऐसा होता, आप होते तो वैसा होता, और लॉट्स ऑफ फैंटसी ज़रूर है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ डेफिनेटली एक लेजेंड क्रिएट किया जा सकता है, एक लेगेसी क्रिएट की जा सकती है। और आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपको पसंद करने वाले बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि अगर आप किसी से भी बात करते हैं या कोई भी आपके चाहने वाले तो आपके बहुत सारे हैं, जहाँ ये पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, थोड़े से जेलस हो जाते हैं, क्योंकि आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे कि आपके पर्सन टेंशन में आ जाते हैं। आपको अटेंशन मिलती है लेकिन टेंशन आपके पर्सन को आती है, आपके पर्सन टेंशन में आ जाते हैं जब आपको अटेंशन मिलती है, तो देखते हैं तो गुस्सा भी आता है, इन्हें जेलस होता है कि क्यों आपको लोग इतना अटेंशन दे रहे हैं, क्यों लोग आपसे इतनी बातें कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली बैलेंस, मैरिज, कमिटमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट वो आप उसके साथ फील करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही फेयर इंसान हैं, बहुत ही बैलेंस इंसान हैं, और किसी भी झगड़े को आप इजी वे में सुलझा सकते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर सुलह करानी हो तो आपको ही लेके चला जाना चाहिए, तो आप जो है वहाँ भी सुलह करा देंगे, क्योंकि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप में एक कैपेसिटी होती है कि आप बैलेंस बना के, हारमोनी बना के रिश्ते को आगे लेके जाए। तो आप रिश्ते बनाने में, रिश्ते को बैलेंस करने में, रिश्ते को हारमोनियस वे में डील करने में बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली वो मानते हैं कि आप किसी के साथ अनफेयर कर ही नहीं सकते हैं, आप बहुत ही ईमानदार भी हैं एंड बहुत जस्टिस पसंद इंसान हैं, तो अनफेयर का तो सवाल ही नहीं है। एंड आपके सामने आपके पसन बच्चे से हो जाते हैं, क्योंकि जितना आपको नॉलेज है, जितना आपको विस्टम है, उसके मामले में आपके पसन कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में आप बच्चे से हैं, हो सकता है डिज़ायर के मामले में आप बच्चे हैं, जितना आपके पसन को डिज़ायर है आपको उतना ना हो, आपको इस मामले में वो बच्चे मानते हैं। आपको हमेशा ये सोशल मीडिया पे स्पाइक करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं, आपसे वो सीखते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, बहुत कुछ, चाहे वो दुनियादारी हो, चाहे वो पर्सनल हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट की नॉलेज हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो ह्यूमेटेरियन लाइफ की विजडम नॉलेज हो, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखते हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, एम्प्रेस एम्प्रेस होती है, तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। आपके पर्सन डेफिनेटली ये मानते हैं। आप फाइनेंशली भी स्टेबल हो सकते हैं एंड वर्किंग अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको ये स्टेबल इंसान देखते हैं, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी देखते हैं,
यूनिक पर्सनालिटी, जहाँ आपको दुनिया को देखने का जो प्रोस्पेक्टिव है बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, जो भी आप करते हैं, लोग एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और इनको तो लगता है कि बस वो आपको पढ़ते रहें, सीखते रहें, नॉलेज गेन करते रहें। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।